गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम ऑन माई चैनल सी एम ए हेमंत कुमार एंड वेलकम ऑन सेकेंड ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ से नेपाल काठमांडू से। और अभी हम जा रहे हैं घूमने एक जगह जिसका नाम है सांगा, जो कि नेपाल में है, भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस जगह की एक खासियत है, दिस इज़ वन ऑफ द एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू है भगवान लॉर्ड शंकर की इन पशुपतिनाथ ब्लॉग। आई टोल्ड यू दिस कंट्री इज टोटली गॉडेस कंट्री, वेयर ईच एंड एवरी कॉर्नर यू विल गेट द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा गणेशा। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस वेयर लॉर्ड शंकर स्टैचू इज सिचुएटेड एंड दिस इज़ वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट स्टैचू विच इज़ अराउंड 144 फीट हाइट एंड इज इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल ऑफ भक्तपुर। So let's start this blog and I'll show you where and how you can visit this place which is called Sangha. तो चलो शुरुआत करते हैं सांगा की तैयारी यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं सांगा घूमने, तो मेरे साथ है निपू यादव और मिस्टर किशोर। तो ये है सांगा जाने के लिए, आपको सबसे पहले बस से आप आओ। इस जगह का क्या नाम था? सांगा चौक। सांगा चौक उतरो, बस टैक्सी कैसे भी। तो ये आपको पशुपतिनाथ टेंपल से डायरेक्ट आने के लिए, पशुपतिनाथ टेंपल से आपको बस भी मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी, आप जो कन्वीनियंस आपको सूटेबल लगे आप आ सकते हो। फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पुल से जाना पड़ेगा। एक सेकंड में शुरू करता हूँ आपको। 50 मीटर नीचे है ये पुल। ये पुल ये देखो, ये हिल भी रहा है, बहुत ज़बरदस्त हिल रहा है। और ये यहाँ से जाके वो टॉप पे आपको दिख रही है वो स्टैचू, वहाँ पे जाना है। ये नीचे से कुछ ऐसा है, बाप रे बाप, मेरे को तो डर लग रहा है। हाँ, सो ये है पुल। आप लोग इधर से आए? हाँ, हम ऐसे ऐसे आए। काफी भीड़ है यहाँ पे। तो करीब करीब इस पुल की लंबाई 50 मीटर है, और जो पीछे पहाड़ी से होके और अगली पहाड़ी तक इसको कनेक्ट करती है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा। इंडिया में इसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद, और ये हिल भी रहा है, लेकिन है मज़ेदार, व्यू भी बहुत अच्छा है। और बारिश होने के बाद ये थोड़ा और भी सुंदर और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से आपको उधर का व्यू दिखाऊं तो देखो क्या ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू है। से ये पूरी सिटी दिखाई दे रही है, ये देखो बहुत सुंदर व्यू है इसका। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पे आप 3 से 4 घंटा यहाँ पे अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो लोग यहाँ पे देखो आ रहे हैं पुल से, उस पहाड़ी से हमको जाना है उस पहाड़ी पे। तो आइए चलते हैं उस पहाड़ी के बाद, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लोग यहाँ पे एकदम भीड़ भाड़ है ही, अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छी खासी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खासी। और अभी बारिश हुई है तो मौसम साफ़ है, क्लियर है।
सो फाइनली पुल क्रॉस हो गया, अब चलना है वहाँ पे ना। अब दिखाता हूँ वो मूर्ति, ये हमको जाना है यहाँ पे, ये है डेस्टिनेशन पॉइंट, तो चलते हैं। नीचे ही देखना पड़ रहा है। सो थोड़ा ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली रीच्ड एट मेन प्लेस सांगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सो पहुंच गए फाइनली। दिस इज सांगा टेंपल और बहुत करीब से आके देखते हैं इसको। बहुत सारे लोग यहाँ पे बस ऑलरेडी फोटो वोटो खिंचवाने में लगे पड़े हैं।你有什么事的？
है कि नहीं? आ रहे हैं सो फाइनली ये था काठमांडू भक्तपुर में स्थित संघा, एक टूरिस्ट प्लेस जो कि नेपाल में है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ, और जब भी आप काठमांडू आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ। ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और सबसे बड़ी बात इसकी कि ये एक वैली के सबसे टॉप मोस्ट ऊंचाई पर है। तो और कभी भी आना हो तो जुलाई अगस्त के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर में आएँ, बहुत अच्छा वेदर रहता है। और यहाँ पे अगर इस टाइम आएंगे तो थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।